दोस्तों ये चीज तो आपने भी कहीं ना कहीं सुनी होगी कि इंसान गलतियां करते करते ही सीखता है, जो कि बिल्कुल सही भी है। लेकिन कभी कभी कुछ गलतियां इतनी महंगी पड़ जाती हैं कि इनका खामियाजा जिंदगी भर भुगतना पड़ता है। इसलिए दोस्तों आज मैं यानी आपका दोस्त और होस्ट आपके फेवरेट चैनल पे आपके लिए दुनिया की सबसे महंगी गलतियों को लेकर आया हूँ, जिनको करने के बाद इंसानों की हालत के साथ साथ जेब भी अच्छी खासी ढीली हो गई। तो दोस्तों कमर कस लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपको पूरी तरह से चौंकाने के लिए तैयार है। बस आपको अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने में कंजूसी मत करना। सुपरमैन्स मस्टैक। दोस्तों अगर आप सुपर हीरोज के फैन हैं तो आपको 2017 में आई हॉलीवुड मूवी जस्टिस लीग के बारे में पता ही होगा, जिसमें कई सारे मंझे हुए कलाकार काम करते हुए नजर आए थे, जिनमें से एक सुपरमैन का किरदार निभाने वाले हेनरी कैविल भी थे। दोस्तों ओवरऑल ये मूवी अच्छी थी, लेकिन मूवी में जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो हेनरी कैविल की मूंछें। अब आप सोचेंगे कि इस मूवी में तो हेनरी की मूंछ है ही नहीं, तो वो दिक्कत कैसे बन सकती है? तो दोस्तों हम आपको बता दें, उस मूवी में हेनरी की अच्छी खासी मूंछ थी, जिसे VFX के द्वारा हटाने की कोशिश की गई, लेकिन कई सारी जगहों पर आप साफ देख सकते हैं कि उनका चेहरा बदला हुआ लग रहा है। दोस्तों असल में हुआ ये कि जस्टिस लीग की पूरी शूटिंग खत्म होने के कारण हेनरी मिशन इम्पॉसिबल 6 में काम करने लगे, जिनमें उनकी अच्छी खासी मूंछें थी। लेकिन जस्टिस लीग के मेकर्स को फिल्म में कुछ एक्स्ट्रा सीन्स डालने थे, लेकिन हेनरी अपनी मूंछें नहीं कटवा सकते थे। फिर मेकर्स ने सोचा कि वो उनकी मूंछों के साथ ही वो सीन्स कर देंगे, जिससे वो VFX की मदद से बाद में हटा देंगे। लेकिन उनकी ये सोच उन पर ही भारी पड़ गई और सिनेमाघरों में जस्टिस लीग इतना खास कमाल नहीं दिखा पाई जितना उस प्रोडक्शन हाउस की बाकी फिल्में दिखाती है, क्योंकि क्रिटिक्स के सामने ऑडियंस भी हेनरी के इस अजीब से लुक की वजह से निराश थी, जिसका सबसे बड़ा खामियाजा मेकर्स को भुगतना पड़ा। लॉटरी लॉस। दोस्तों ज्यादातर लोग लॉटरी जीतने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि वो दिन रात बस यही ख्वाब देखते हैं कि कहीं उनकी कोई लॉटरी लग जाए और वो एक ही सेकंड में मालामाल हो जाए। और शायद आप यकीन ना करें, लेकिन इंग्लैंड की रहने वाली एक महिला का यह सपना सच भी होने वाला था। दोस्तों ये बात 2010 के अक्टूबर महीने की है, जहां पर 145 मिलियन की लॉटरी निकली। और दोस्तों ये लॉटरी की कीमत ब्रिटिश हिस्ट्री की सबसे बड़ी कीमत थी, क्योंकि आज तक इतनी बड़ी लॉटरी कभी नहीं निकली। और उस समय 1000 से भी ज्यादा लोग ये कह रहे थे कि लॉटरी उनकी हो सकती थी, और उन्हीं में से एक 70 साल की महिला भी थी, जिसका ये कहना था कि ये लॉटरी उन्हीं की होती, क्योंकि वो हर हफ्ते लॉटरी का टिकट खरीदती थी और वो टिकट का नंबर अपने नोटपैड पे लिख लेती थी, ताकि उनके हस्बैंड कहीं लॉटरी के टिकट को इधर उधर रख दें तो वो नंबर देख सके। और इस बार भी उन्होंने अपने नोटपैड में लिख रखा था, और जब लॉटरी की अनाउंसमेंट हुई तो उन्होंने अपना नोटपैड देखा तो वो नंबर बिल्कुल मैच हो रहा था, जिसे देखने के बाद उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन जब वो लॉटरी का टिकट ढूंढने लगी तो उन्हें टिकट नहीं मिल रहा था, और अफसोस वो इतनी भारी रकम जीतते जीतते रह गई। अगर वो इस लॉटरी की रकम को हासिल कर लेती तो वो इंग्लैंड की सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन जाती, जिसका सपना लगभग हर इंसान देखता है। कैरो ग्रैंड फायर। दोस्तों अक्टूबर 2000 में न्यू मैक्सिको के जंगलों में लगी भारी आग को अभी तक कोई नहीं भुला पाया। उस समय यह आग बिजली कड़कने की वजह से लगी थी, क्योंकि जिस जगह से आग शुरू हुई वहां पर सभी पेड़ सूखे हुए थे, जिसकी वजह से आग ने तुरंत अपना रास्ता बना लिया। और उस समय तेज हवा भी चल रही थी, जिसके कारण ये आग लगते लगते करीब 607 किलोमीटर² एरिया में अपना आतंक फैलाती हुई चली गई, जिसकी वजह से काफी भारी नुकसान हुआ। दोस्तों हालांकि इस दुर्घटना में किसी इंसान की जान नहीं गई, लेकिन इसकी वजह से वहां की अथॉरिटी को काफी खरी खोटी सुननी पड़ी, क्योंकि केवल एक छोटी सी आग की वजह से $1 बिलियन का नुकसान वहां की गवर्नमेंट को झेलना पड़ा, जो अपने आप में बहुत बड़ी रकम होती है। रॉन वेन्स एप्पल शेयर। अब दोस्तों हम जिन जनाब की बात कर रहे हैं, वो केवल अपनी एक भूल की वजह से गुमनाम हो गए, वरना आज उनका नाम देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन में लिया जाता। दोस्तों हम बात कर रहे हैं रॉन की, जो एप्पल कंपनी के शुरुआती दिनों में को फाउंडर थे, और उस समय स्टीव जॉब्स और स्टीव वजनियाक के साथ इन्होंने कंपनी शुरू की, जहाँ ये कंपनी के 10% शेयर होल्डर थे।
लेकिन दोस्तों उस समय एप्पल कंपनी की माली स्थिति इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो कंपनी के शुरुआती दिन थे और उस समय रॉन अच्छा खासा पैसा कमा रहे थे, इसलिए उन्होंने एप्पल कंपनी में अपने 10% शेयर $800 में बेच दिए। जी हाँ दोस्तों, जिस एप्पल कंपनी के 10% शेयर के लिए कोई किसी को मार भी सकता है, उसी एप्पल कंपनी के 10% शेयर इन्होंने केवल $800 में बेच दिए, जिसकी अभी की कीमत लगभग $120 बिलियन है, जो उन्हें दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में खड़ा कर देती। लेकिन उस समय उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से आज वो अमीर तो हैं, लेकिन उतने अमीर नहीं कि दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट में शामिल हो जाए। स्प्लेंडेड चाइना। दोस्तों अगर कोई भी थीम पार्क चल गया तो वो किसी पैसा बनाने की मशीन से कम नहीं होता, लेकिन दोस्तों चाइना के स्प्लेंडेड चाइना थीम पार्क के साथ ऐसा कुछ नहीं हो पाया। हम आपको बता दें, ये थीम पार्क $100 मिलियन के खर्च के बाद तैयार हुआ। 1993 में इस पार्क के खुलने के बाद इसमें करीब 3.5 मिलियन लोग आए थे, और फिर उसके बाद लोगों का इंटरेस्ट उस पार्क से पूरी तरह से हटने लगा, क्योंकि कभी इस पार्क में रिलीजियस प्रोपोगेंडा के भाषण होते तो कभी इसमें पैलेस बनते, और इन सब चीज़ों से पब्लिक काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हो गई थी। और तो और दोस्तों, हद तब हो गई जब इस पार्क में एक स्कूल बनवा दिया गया, और फिर इस पार्क का नाम 1996 में स्प्लेंडेड चाइना से बदलकर चाइना टाउन रखा गया। तब भी ये पार्क लोगों का आकर्षण अपनी ओर खींच नहीं पाया, और 1999 में ये पता चला कि जब से ये पार्क बना है तब से यहाँ पर 200 मिलियन का घाटा हो चुका है। अब दोस्तों आप खुद ही सोचिए, 100 मिलियन की लागत से बनने वाला पार्क में अगर 200 मिलियन का घाटा होने लग जाए तो अच्छे खासे इंसान की हालत खराब हो जाएगी, और इन्हीं सब वजहों से अंत में इस पार्क को बंद करना पड़ गया। कोस्टा कॉनकॉर्डिया डिजास्टर। दोस्तों 13 जनवरी 2012 को कोस्टा कॉनकॉर्डिया डिजास्टर ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे बड़े मरीन लॉसेस में से एक है। दोस्तों एक जहाज एक हफ्ते के टूर पर जा रहा था, जहां पर ये जहाज जैसे ही कविता वेकिया से निकला तो इसके कुछ घंटे बाद ही उसने दूसरा रास्ता अपना लिया, और जिस रास्ते पर यह जहाज जा रहा था वो काफी पत्थरों से भरा हुआ रास्ता माना जाता था। दोस्तों जैसे ही शिप के कप्तान को खतरा दिखाई दिया वैसे ही उसने रास्ता बदलने को कहा, लेकिन मिसकम्युनिकेशन की वजह से किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से जहाज गलत रास्ते पर चली गई और पत्थर से टकराने की वजह से पूरी तरह से पलट गई। दोस्तों उस जहाज में 1023 क्रू मेंबर और 3206 पैसेंजर्स यात्रा कर रहे थे, जिसमें से 32 लोग इस खतरनाक हादसे के शिकार होकर मौत के घाट उतर गए और बाकी सबको सही सलामत रेस्क्यू कर लिया गया। हालांकि उनमें से कुछ लोगों को गंभीर चोटें भी आई। दोस्तों इस जहाज को वापस से खड़ा करने में करीब 8 महीनों का वक्त लगा, जिसके बाद शिप के कप्तान को गलत रास्ते से शिप ले जाने की वजह से 16 साल की कैद हुई। और अगर इस हादसे में हुए नुकसान की बात करें तो इस पूरे हादसे में लगभग $2 बिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। चेर्नोबिल डिजास्टर। दोस्तों 1986 चेर्नोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे दर्दनाक इकोनॉमिक डिजास्टर था, जिसके बाद से कैंसर से मरने वाले लोगों की संख्या 1 मिलियन से भी ज्यादा पहुंच गई। दोस्तों यूक्रेन में हुए इस न्यूक्लियर डिजास्टर ने बहुत ज्यादा तबाही मचा दी, और अगर इस डिजास्टर की वजह की बात करें तो सबसे बड़ी वजह थी ज्यादा प्रेशर लगने की वजह से न्यूक्लियर पावर प्लांट पूरी तरह से फट जाना, जिसकी वजह से भारी आग लग गई और उस आग ने अपने साथ साथ कई लोगों को तबाह कर दिया। दोस्तों इस डिजास्टर का असर अभी भी आप देख सकते हैं, क्योंकि वो रेडिएटर अभी भी बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिव है, जिसको केवल छूने भर से इंसान की मौत हो सकती है। अब इस बात से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब धमाका हुआ होगा तो कितनी ज्यादा तबाही मची होगी। दोस्तों अगर इस तबाही के नुकसान की बात करें तो केवल सुनने भर से आपके कान खड़े हो जाएंगे। उस समय उस डिजास्टर की वजह से $235 बिलियन का नुकसान हुआ, जिसको अगर कोई इंसान गिनने भी बैठे ना तो सालों लग जाएंगे, लेकिन कभी गिन नहीं पाएगा। और इतनी भारी रकम केवल हाई प्रेशर की वजह से पानी में चली गई। न्यूबे ब्रिज। दोस्तों अगर किसी चीज को दोबारा बनवाना होता है तो उसमें समय और पैसा दोनों जाता है,
लेकिन कैलिफोर्निया के न्यू बे ब्रिज की बात ही अलग है। इस ब्रिज के राइट साइड का छोटा सा हिस्सा टूटकर गिर गया, जिसकी वजह से 1989 और 1999 का अर्थक्वेक था, जिसके बाद उस ब्रिज के बनने में करीब 7 साल का वक्त लगा। अब आप बोलेंगे 7 साल क्यों? दोस्तों आपको बता दें, जैसे हमारे देश में किसी भी चीज़ को जब सही करना होता है तो लोग पहले आप करते हैं, वहाँ भी यही हुआ, जहाँ पर लोग ये देख रहे थे कि कौन इस ब्रिज को ठीक करवाता है। और तो और, जब गवर्नमेंट ने इस ब्रिज को ठीक करवाने के लिए मनी इशू किया, तब इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन में दिक्कत आनी शुरू हो गई। और फिर साल 2004 में स्टील के प्राइस भी बढ़ गए, जिस वजह से और भी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि अब इस ब्रिज को वापस से बनवाने के लिए और ज़्यादा पैसा चाहिए था। दोस्तों ये ब्रिज काफ़ी बड़ा था, इसलिए इसको बनवाने में काफ़ी भारी लागत लगनी थी, और ये जब ब्रिज बनकर तैयार हुआ तो $6.5 बिलियन का खर्च आया। अब आप खुद ही सोच लीजिए, भूकंप किसी देश की सरकार को $6.5 बिलियन का झटका दे सकता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना, साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।